सो स्टार्ट. ओके, तो अभी सब सेटल हो गए हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन. मैं मधु हूँ, मधु बिस्लेरी से हम लोग का प्रोग्राम है बॉटल फॉर चेंज. बॉटल फॉर चेंज एक उसका नाम क्यों पड़ा बॉटल फॉर चेंज, मैं इसे बता देती हूँ स्टार्टिंग में. यूजुअली लोग जब इस प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद हम लोग बॉटल्स के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि बॉटल्स इधर उधर मत फेंकिए एंड हम लोग बॉटल्स ले जाके उसे रिसाइकिल करेंगे, बट ऐसा नहीं है. बॉटल फॉर चेंज उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बॉटल जो रैक पिकर बहुत सड़कों से उठाता है करके उनको जब इकट्ठे करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है जो कि उनकी लाइफ चेंज कर पाता है. ठीक है, इसलिए हमने उसका नाम रखा बॉटल फॉर चेंज. बट बॉटल फॉर चेंज में हम लोग प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि प्लास्टिक को अगर हम सोर्स पे ही सेग्रीगेट करते हैं तो वो प्लास्टिक क्लीन रहता है एंड वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है. क्योंकि प्लास्टिक यूजुअली लोग आज बहुत ज़्यादा हर जगह बात होती है कि प्लास्टिक इज़ अ मेस, प्लास्टिक बहुत बेकार है, बैन प्लास्टिक ने एवरीथिंग. ठीक है, बट उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्लास्टिक का बैकग्राउंड क्या है. हम जहाँ यहाँ पर बहुत से लोग बैठे होंगे उनको पता होगा कि प्लास्टिक आता है पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से. पेट्रोलियम जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें निकलती है, डीजल निकलता है, गैसेस निकलती हैं, उससे वैक्स निकलती है. तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ पॉलीमर. पॉलीमर ही बनाता है प्लास्टिक को. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे द मोर वी एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम तो प्लास्टिक का कहीं ना कहीं वो आता ही रहेगा, वो साइकिल आती ही रहेगी. ठीक है, बट अगेन सेकेंड हम ये कहते हैं कि भाई प्लास्टिक तो बहुत ख़राब है, ये बैन हो जाना चाहिए. मैं भी बिलीव करती हूँ बहुत हद तक बैन हो जाना चाहिए. जहाँ पे हम बात करते हैं पॉली बैग्स की जो वेंडर्स के पास होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो सब्जी वाला हैं, वो लोग प्लास्टिक की थैली में देते हैं एंड वो थैली 50 माइक्रोन से भी कम होती है जो कि ईजिली रिसाइकलेबल नहीं है. वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में जाती है, वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में जाती है एंड वो जो आज रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वहाँ पर जाती है, वहाँ पर उनको डिस्पोज किया जाता है. बट अदर प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, हम आज बात करते हैं बहुत सी जगहों में ये बोला जाता है कि आप प्लास्टिक बॉटल यूज़ मत कीजिए, आप मेटल की बॉटल यूज़ कीजिए. बट आप अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की ही, 135 करोड़ की आबादी अगर सारे ही मेटल्स की बॉटल यूज़ करने लग गए तो जस्ट इमेजिन कि हमें कितना मेटल रिक्वायर्ड है, कितना नेचुरल रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है, सो प्लास्टिक कहीं ना कहीं एक इजी रिसोर्स है, बहुत इजीली मिल जाता है, हम लोग को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, इजी टू कैरी है. अगर मैं मेटल की बॉटल में पानी लेके जाती हूँ तो उसका भार ऑलमोस्ट एक लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है. वहीं मैं अगर मैं प्लास्टिक की बॉटल कैरी करती हूँ तो उसका वेट ऑलमोस्ट 1 लीटर के आसपास, जितना 1 लीटर का वेट अगर मैं केजी में देखती हूँ तो उतना ही रहता है. ठीक है, तो इट्स इजी टू कैरी. साथ के साथ कांच की बॉटल भी बहुत अभी हमारे कंपनी ने भी लॉन्च की है ग्लास बॉटल. बट आपको पता है वो ग्लास बॉटल बहुत से बिग होटल्स में रिजेक्ट हुई है टूरिस्ट के थ्रू. उनका ये कहना है कि हम ग्लास बॉटल पर बिलीव नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल पर करते क्योंकि वो टोटली सील्ड पैक्ड होती है. तो लोगों का ये फीडबैक है कि हमें ग्लास बॉटल नहीं चाहिए. अगेन ग्लास इज़ अ फ्रेजाइल थिंग. ठीक है, हम उसको लेके जाते हैं इजी, कहीं पे भी लेके जाएंगे गिर जाएगा, किसी का भी एक्सीडेंट होना बहुत इजी है. ठीक है, सो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वो रिजेक्टेड पॉइंट है. बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स हम लोग को ये लॉन्च करना पड़ रहा है. ठीक है, सो हम लोग आते हैं कि भाई प्लास्टिक जब इतना रिसोर्सफुल है, इतना सब कुछ इजी अवेलेबल है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर रहा है, फिर भी हम उसको बेकार क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी हैबिट्स में प्रॉब्लम है. हम लोग हमारे घर में आते आटा की थैली, हमारे घर में आते दाल की थैली, हमारे घर में आते मिल्क पैकेट्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट जब तक हम उसके प्रोडक्ट निकाल के उसको रखते हैं साइड में वो क्लीन ही होता है. वो गंदा कूड़ा कब बनता है? जब हम उसमें डाल देते हैं, यानी हमारे घर से कुछ खाना बचा हमने उसमें डाल दिया, हमारे कुछ पील हैं मतलब वेजिटेबल पील्स हैं हम उसमें डाल दिए, हमने चाय पत्तीज उसमें डाल दिए, द मोमेंट हम उसमें वो ड्रॉप करते हैं एक ही डब्बे में सब कुछ तो वो कचरा बन जाता है. बट अगर हम उसे सेग्रीगेट करते हैं तो वो एक रिसाइकलिंग रिसोर्सेज है. फर्स्ट सेकेंड थिंग उसका एक सेग्रीगेट करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जो हमारी रैक पिकर्स कम्युनिटी है, हाउसकीपिंग कम्युनिटी है, हम लोग उनको एक डिग्निटीफुल लाइफ दे पाते हैं. क्योंकि आप एक खुद सोचिए, आपका एक कूड़ा, आपका एक कचरा जो आपने एक डब्बे में भर के सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स कर दी हैं, वो कहीं ना कहीं कूड़ा उसको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है. उस रैक पिकर की कम्युनिटी का सिर्फ और सिर्फ काम इतना है कि वो आपके डोर स्टेप पर आएँ, उसे उठाएँ एंड जहाँ पर भी वो रिसोर्स होता है, रिसाइकिल होता है या सेग्रीगेट होता है, उसको वो दे दें. उसका काम ये बिल्कुल नहीं है उसे सेग्रीगेट करना. सेग्रीगेट करना सिर्फ और सिर्फ वो मेरा काम है. हमारे देश में आज भी 4 बिन पॉलिसीज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2016 से लॉन्च किया हुआ है, बट आज भी हम लोग 2 बिन पॉलिसीज़ भी नहीं मेंटेन कर पाते जहाँ पे वेट एंड
ड्राई को सेग्रीगेट किया जाता है, वो भी हम लोग नहीं मेंटेन करते। इवन जो लोग मेंटेन करते हैं दे फील लाइक प्राउड एंड दे शुड फील प्राउड, बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस वेट वेस्ट में आता है, वेट वेस्ट में आता है अगर हम बात करते हैं चाय पत्ती हो गया, पील्स हो गए, एग शेल्स हैं हमारे, कुछ फूड बच गया, ठीक है, तो हम उसे अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं। बट हम, मैं यहाँ पे उसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी बिकॉज हम लोग आज यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक की बात करने वाले हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप घर में, बहुत से लोग मुझे डेफिनेटली पता है कि आज यहाँ पे हम लोग आए हैं तो डेफिनेटली सारे के सारे लोग उसको सेग्रीगेट कर रहे होंगे, बट मैं ये चाहती हूँ कि हम, आप जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, स्पेशली दीज किड्स, ठीक है, तो हम लोग इनको एक छोटा सा टास्क देंगे एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, वो बच्चे इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। हमें, मैं एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। मुंबई में मिस्टर वेंटो है एंड ही इज़ अ गाय, इज़ अ 8-year-old गाय, उनकी इतनी ही बड़ी सोसाइटी में, ठीक है, वो बच्चा, वो बच्चा अकेले हर एक डोर स्टेप पे जाके अपने सारे फ्रेंड्स को लेके वो जाता है एंड वो प्लास्टिक के लिए बोल के आता है, आंटी आपका जितना भी प्लास्टिक है ना आप मेरे को देंगे, मैं इसे कलेक्ट करूँगा। तो सी, वो बच्चों में जैसे ही हम इस चीज़ को फीड करेंगे, आज बहुत से लोग, मैम आप बैठे होंगे, आपको पता है घर पे आप न्यूज़पेपर ऐसे नहीं फेंकेंगे कचरे में, हम उसे सेग्रीगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हैबिट बहुत साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट की है कि भाई कागज़ क्या है, विद्या है, हमें उसे फेंकना नहीं है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगेन, बट अगर हम उसको अदर रिसोर्स देंगे, वो एक तरह से रद्दी ही है, कबाड़ी वाला लेके जाता है उसको, जो भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, जो उसकी रिसाइकलिंग रिसोर्सेज है वहाँ पे वो रिसाइकिल होता है, बट हम लोग उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं। वही ना, वही अगर आज हम ये बच्चे इतने छोटे यहाँ पे बैठे, अगर हम इनको आज से सिखाते बेटा ये जो आपने टॉफ़ी का रैपर लिया है ये रिसाइकिल होएगा, तो आपको आज से ये फेंकना नहीं है कहीं पे भी डस्टबिन में, आपको जहाँ पे भी प्लास्टिक हमने सेग्रीगेट करने के लिए रखा है आप उसे वहीं रखेंगे क्लीन करके, और इसको हम रिसाइकलिंग कर देंगे एंड ऑफ द टाइम। जब भी कोई भी रिसाइकलिंग रिसोर्स, जो भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, कलेक्शन पार्टनर्स आते हैं, हम उनको देंगे, ठीक है। सो क्यों होगा ये करके, क्योंकि आज हम इन बच्चों में ये फीड करेंगे, ये जो छोटी सी चीज़ हम इनको एक हैबिट में डालेंगे, कहीं ना कहीं आगे वाली जनरेशन को चेंज करेंगे। सेम टू सेम जैसे हमारी पिछली जनरेशन ने हमें ये चीज़ सिखाई कि पानी को बचा के रखो, बताया ना कि पानी वेस्ट मत कीजिए, अखबार को सेग्रीगेट करो एंड देन उसको सेल आउट करो कबाड़ी वाला को, ठीक है। सो ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हमें चेंज करनी है। साथ के साथ हम लोग रिसाइकलिंग के लिए क्लीन प्लास्टिक की क्यों बात करते हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक एक साथ आपके घरों से हर जगह से, एक रैक पिकर भी जब उसे पिक करता है तो वो कबाड़ी वाला के चैनल के थ्रू रिसाइकलर्स के पास जाता है, बट वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं गंदा हो जाता है, फिर वो प्लास्टिक वॉश आउट होता है, फिर उसके बाद वो क्रश होता है एंड देन फिर वो रिसाइकल होता है। तो जितना ज़्यादा गंदा प्लास्टिक उतना ज़्यादा पानी यूज़ होगा उसे क्लीन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब जैसे हम सोर्स पे सेग्रीगेट कर देते हैं प्लास्टिक को, वो जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उतना ज़्यादा सेफ होंगे, ठीक है। सो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है रिसाइकलिंग रिसोर्स, मतलब कि ये जो हम सेग्रीगेशन बोलते हैं सोर्स रिसोर्स पे ही करने के लिए। अब बात आती है कि भाई हम इस प्लास्टिक को ले जाके क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को ले जाके हम लोग जो हमारे कलेक्शन पार्टनर IPC है वो इस प्लास्टिक को अलग अलग फॉर्म में, देर आर 7 types ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। PET सबसे 1 number पे आता है। PET में जो अगर मैं बात करती हूँ, एक बॉटल है मेरे पास, उसमें जो ये, अगर आपके पास भी यहाँ पे बॉटल थी, वो जिसका ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड PET, ठीक है। उसका, उसमें जो लेयरिंग होता है, पॉलीथीन्स लगा होता है, उसको कहते हैं LDP, लो डेंसिटी प्लास्टिक, एंड जो उसका कैप होता है दैट्स कॉल्ड SDP, हाई डेंसिटी प्लास्टिक। तो ये 3 way में अलग सेग्रीगेट होता है, साथ के साथ मल्टी लेयर प्लास्टिक अलग सेग्रीगेट होता है विद द कलर जी। तो ये जो प्लास्टिक का कैप है, ठीक है, ये आता है हाई डेंसिटी प्लास्टिक में, ये अलग अलग हो जाता है, इसे अलग वे में, इसको, इसका रिसाइकलिंग प्रोसेस है, इसका अलग रिसाइकलिंग प्रोसेस है, और ये जो पॉलीथीन लगा हुआ है इसका अलग रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ठीक है। सो ये तीनों अलग अलग तरीके से होता है, हम इसको रिसाइकिल करते हैं। अब बात आती है इन प्लास्टिक की बॉटल से हम लोग क्या बना सकते हैं। आपको पता होगा कि नाइकी, एडिडास एंड बहुत सी अदर कंपनियाँ आज बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम कर रहे हैं, PET पे, इसको श्रेड करके हम लोग कपड़ों में जाते हैं। हमारे बहुत से इवन बिसलेरी ने में भी एक, मतलब कि बॉटल्स, वो शर्ट्स बनाए थे लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर बनाए थे, तो उसमें वो श्रेड गए थे, पीटी यांस गए थे, ठीक है। आज के बहुत से टेडी बियर्स होंगे आपके घर पे, अगर आप देखेंगे उसको फाड़ के, जब वो बिल्कुल ख़त्म होने लगता है तो उसमें कॉटन नहीं होती, उसमें एक आपको यान दिखेगा प्लास्टिक का, वो भी इसी पीटी से श्रेड होके जाता है, ठीक है। एंड ये जो एसडीपी आता है, एसडीपी में ज़्यादातर जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक है उसको श्रेड करके आज इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब और मल्टी लेयर प्लास्टिक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, वो हर जगह आपको पड़ा हुआ दिखेगा, तो उससे श्रेड होके बेंचेस बन रहे हैं, स्कूल के स्कूल बेंचेस बन रहे हैं, अगर बाहर में अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे पार्क्स में लगाने वाले बेंचेस बन रहे हैं, तो आप देखिए उसका भी सॉल्यूशन है। तो करना क्या है, सिर्फ एक अपनी हैबिट चेंज करनी है हमें, हम द मोमेंट हम अपनी हैबिट चेंज करते हैं, हम लोग उसको कहीं ना कहीं जो इतना प्रॉब्लमेटिक है आज की डेट में, हर कोई अगर हम कोविड में भी देख लें तो प्लास्टिक ही सबसे हीरो बन के आया। अगर हम पीपीई किट्स देखते हैं वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है, हम लोग सर्जिकल मास्क देखते हैं वो भी हमें प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि प्लास्टिक ऑलरेडी एक वरदान है क्योंकि वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर रहा है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी हैबिट की वजह से हम उसको कहीं भी थ्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज से हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ अपनी हैबिट चेंज करनी है। आपको पता होगा कि एक स्वच्छता सर्वेक्षण चलता है एवरी ईयर इंडिया में, ईयर 2016 से चल रहा है, उसमें इंदौर नंबर वन पे आता है, इंदौर नंबर वन क्लीनेस्ट सिटी में आता है। तो अभी मैं साउथ दिल्ली में एक अवेयरनेस सेशन ले रही थी, तो वहाँ के मेयर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पर्सनली विजिट किया मैंने कि भाई इंदौर हमेशा नंबर वन पे क्यों आता है जबकि दिल्ली नहीं आ पाता, हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, हम इतना फंड्स डाल रहे हैं, फिर भी इंदौर ही नंबर वन पे क्यों आ रहा है। इंदौर नंबर वन पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोगों की हैबिट चेंज है, लोग अपने हम लोग अपने घर में तो क्लीन करते हैं बट हम अपनी सोसाइटी को क्लीन नहीं करते। हमें ये लगता है यार आज इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ, मैं तो अगर नंबर ना कोट करूँ तो मैं अगर अपने एस्टिमेशन से बताऊँ 99% घरों में एवरी डे 2 से 3 बार झाड़ू पोछा होता है, होता है एक बार तो होता है, ठीक है। बट वहीं इतनी क्लीनेस्ट सिटी में हो, इतनी क्लीनेस्ट इन मतलब कंट्री होने के बाद जहाँ पे लोगों की हैबिट्स इतनी चेंज है कि वो अपने घर को एवरी डे क्लीन करते हैं, बट हमारी सोसाइटी इतनी क्लीन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपना घर साफ करते हैं एंड देन उस चीज़ को जो भी कचरा है हम उसको कहीं पर भी थ्रो करते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट येस आई एम टॉकिंग एट अ लार्ज मोमेंट, ठीक है। हम लोग, मैं बहुत जगह जाती हूँ, बहुत सी जगहों पे मैंने देखा कि एक कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो हमारी हैबिट होती है यार यहीं फेंक दो, कोई बात नहीं, आएगा कोई उठाने तो इसको भी लेके जाएगा, हमारे वाले कचरे को भी, ठीक है। बट हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम अगर अपना घर क्लीन रखते हैं तो हमें ये देखना है कि मेरे सराउंडिंग भी क्लीन है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं, अब आप जैसे देश में आ गया स्वच्छता सर्वेक्षण, आपके आपके सिटी में हरियाणा में जब जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो आपकी खुद की एक सोसाइटी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है उसका लेवल अप करने के लिए। जैसे ही आपका जैसे ही सर्वे शुरू होगा तो हो सकता है आपकी सोसाइटी से शुरू हो कि भाई आपकी सोसाइटी में कितना प्लास्टिक कॉन्ट्रीब्यूट किया रिसाइकिलिंग के लिए, उसको डंपयार्ड्स में नहीं फेंका गया, ठीक है। तो वन ऑफ द दैट आप अपने यहाँ से शुरू करेंगे, आप अपनी सिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज आर हैबिट स्लोली, ठीक है। सो ये हम लोग का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग बोल रहे चेंज कर, वी हेट प्लास्टिक, वी से कि जस्ट हेट जस्ट बैन प्लास्टिक एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये एस्टिमेशन आपने आप में से हर किसी ने आज की डेट में सुना होगा, ईयर 2050 में, ठीक है, मरीन लाइफ से ज़्यादा हम प्लास्टिक देखेंगे सीज एंड ओशंस में। तो आप ये सोच के चलिए आज ये बच्चे आज लोग ज़्यादा मतलब कि गुड़गांव में रह रहे हैं, सो द मोमेंट दे रीच टू मुंबई और अंडमान और एनीथिंग, तो उनको ना सिर्फ प्लास्टिक मिलेगा, उनको मरीन लाइफ में कुछ अच्छी सी फिशेस नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हम अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर रहे हैं। प्लास्टिक डू नॉट डिग्रेड नेचुरली बट अगेन मेटल ऑल्सो नॉट, बट मेटल हम लोग सेपरेट चेंज कर दो चेंज बट मेटल हम लोग सेग्रीगेट करते हैं एंड उसको हम कबाड़ी वाला उसको देते हैं, हम ये सोच के देते हैं कि भाई मेटल का तो अच्छा रेट मिल रहा है बट प्लास्टिक का नहीं मिल रहा। बट अगर आप प्लास्टिक भी सेग्रीगेट करेंगे तो बिलीव मी एक नॉर्मल पीएटी बॉटल आती है 15 to 18 kg per kg के हिसाब से वो मतलब कि सेल आउट होती है पीटी बॉटल्स। साथ के साथ आप एसडीपी की भी बात करते हैं तो वो भी उतने ही रेट में जाती है। हम बात करते हैं एलडीपी की, लो डेंसिटी प्लास्टिक, जिसमें आते आटा की थैलियाँ आती हैं
हैं, जिसमें मिल्क पैकेट्स आते हैं, आज के डेट में उसकी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं है दिल्ली NCR में। बट आप मुंबई में जाएंगे तो बहुत सी जो घरों में, बेटा अगर आप सुनोगे नहीं ना फिर आप क्वेश्चन हार जाओगे जो मैं आपसे पूछूंगी, फिर आपको चॉकलेट्स भी नहीं मिलेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे वैल्यू क्रिएटेड नहीं है उस LDP की, बट अगर हम बात करते हैं फ्यूचर में, तो जैसे द मोमेंट हम उसे क्लीन करके अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को दे रहे हैं, तो जो भी ये प्रोड्यूसर्स हैं इस LDP के, ये जो अगर मैं बात करती हूँ अमूल की बात करती हूँ, मदर डेयरी की बात करती हूँ, तो हम लोग उन पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि आप इस प्लास्टिक का भी रिसाइकिलिंग हमें अमाउंट दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से वैल्यू क्रिएट की जाती है, जैसे कि आपको पता होगा EPR करके एक लॉ है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें जो भी कंपनियां प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है उनको वो 100% रिसाइकिल करना है। तो बिस्लेरी ऑलरेडी ईयर 2000 से ये काम कर रही थी, बट अभी बिकॉज ऑफ मैंडेट्स हम लोग 100% उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, अपना जितना भी PET हम क्रिएट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, ठीक है। एंड वहाँ पे बात आ जाती है, मैंने LDP की एयर मल्टी लेयर की बात करी, बट आज ITC पे भी इतना जोर है कि वो भी मल्टी लेयर का कुछ ना कुछ अमाउंट देगी, एक सडन एक अच्छा अमाउंट देगी। तो उसके लिए हमें करना है क्या है, इस मल्टी लेयर प्लास्टिक को गंदा नहीं करना है, हमें इसे सेग्रीगेट करना है एंड इसको रिसाइकिल के लिए देना है। द मोमेंट ये लोग इन पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों पे, तो वो भी उसकी वैल्यू क्रिएट करेंगे। एंड ये वैल्यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, हम लोगों की हैबिट चेंज होने की वजह से हम रैग पिकर्स के लिए वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनको एक क्लीन प्लास्टिक मिल रहा है, उससे वो लोग अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ एक आपकी हैबिट कितनी बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है पूरे वर्ल्ड में और पूरी इंडिया में, ठीक है। सो ये एक चीज़ करनी है, हम लोगों को क्या करना है, रिकवर एंड रिसाइकिल। नेक्स्ट, अगर हम ये देखें आज की डेट में, अगर हमने देखा होगा कोविड में बहुत से लोग ना नारियल पानी ले रहे थे, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं बड़े बड़े जो बिग स्टोर्स है, ग्रॉसरी स्टोर है, मोर की मैं बात करती हूँ, बिग बास्केट की बात करती हूँ, तो वहाँ पे नारियल पानी एक ना पॉलीथीन में रैप होके आता है, ठीक है। सो आपने ये देखा होगा कि आपके घर में, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी रेगुलर है, ठीक है, सो हम 4 से 5 नारियल पानी नॉर्मल एक फैमिली में आ रहे थे बिकॉज जब ये सेकेंड वेव आ रही थी, ठीक है। तो हमने देखा होगा जब तक वो रैपर उस पर लगा हुआ है वो क्लीन है, ऊपर से वाइट है पूरा, मैम प्लीज़ आ जाइए, तो वो पूरा क्लीन होता है, वाइट होता है। वहीं पे ही अगर हम ठेली वाले से लेते हैं, जैसे हम उसे कटवाते हैं और अपने घर पर रखते हैं, तो आपने देखा होगा एक दिन के बाद ही उसमें एक ब्लैक कलर की लेयरिंग सी आ जाती है, ठीक है। सो आप ये देखिए वो प्लास्टिक उसको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, ठीक है। आप चाहे तो उस नारियल पानी को 10 से 15 दिन भी वहाँ पे ये जो स्टोर्स में, ग्रॉसरी स्टोर में इतने दिन ही पड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं होता क्योंकि वो प्लास्टिक से रैपर है। अगेन इस स्लाइड में भी ये बताया गया है कि अगर हम एक कुकुम्बर को प्लास्टिक से रैप करते तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में, अब्रॉड में, US की मैं बात करती हूँ, कैनाडाज की बात करती हूँ, तो वहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पे हर इवन वेजिटेबल को रैप किया जाता है प्लास्टिक में ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए, ठीक है। बट पर पर्सन अगर हम देखें इंडिया में वो प्लास्टिक कम यूज़ होता है, हम इतना यूज़ नहीं करते जितना बाहर यूज़ किया जाता है। फिर भी प्रॉब्लम हमारे देश में क्यों है, क्यों, क्योंकि हम लोगों का अवेयरनेस नहीं है कि हमें वो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके रिसाइकलिंग रिसोर्स है, ये वेस्ट नहीं है, ठीक है। हमारे देश में पता क्या होता है, प्लास्टिक को जला दिया जाता है। जी सर, मैं डेफिनेटली आपके व्यूज लूंगी पर इस प्रेजेंटेशन के बाद। जो दूध प्लास्टिक बनता है दूध से, और प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए, इसको कंप्रेस करके या कुछ भी करके इसकी ब्रिक बना दो, जो मर्जी कर दो इसकी, वो प्रोसीजर। जी सर, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये कहते हैं प्लास्टिक क्रिएट कर रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गैसेस निकल रहे हैं, बट अगर हम अपने वेट वेस्ट को, जो ये केले के छिलके हैं, दालों के, ये जो हमारे पुराने खाना बच जाता है, और हम ये वेजिटेबल के पील्स है, ये लोग ये भी इतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अगर हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सो प्लास्टिक 100% रिसाइकलेबल है, 93% ऑफ द PET आर कलेक्टेड एंड रिसाइकल इन इंडिया। आप ये सोचिए कितना बड़ा नंबर रिसाइकिल हो रहा है ऑलरेडी। सो एक ये सिचुएशन है, वेट,
ये एक सिचुएशन है, ठीक है। सो हम इसमें देखते हैं, हम इसमें ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, गाड़ी की या ड्राइवर की। यहाँ पे ये जो ट्रैफिक लग गया उसमें प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी है, ड्राइवर ने या गाड़ी ने। तो बात आती है ड्राइवर ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रैफिक मैनेज नहीं किया, लोगों ने मैनेज नहीं किया। गाड़ी ने थोड़ा ना किया, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है, तो जहाँ पे वो चलाएगा वो वहाँ पे चलेगी। एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम प्लास्टिक क्रिएट कर रहा है, बट प्रॉब्लम प्लास्टिक नहीं, हमारी हैबिट क्रिएट कर रही है। सो तो होम वी आर ब्लेमिंग प्लास्टिक और वी। सो अगर आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यार कहीं पे कचरे का ढेर पड़ा होता है तो हम ये कहते हैं कि चलिए यहीं पे फेंक देते हैं, बाकी कल कोई आएगा तो इसे क्लीन कर जाएगा, ठीक है। तो 80% लिटरिंग इज़ इंटेंशनली, लोग इंटेंशनली करते हैं, उनको ये लगता है कि ठीक है कोई और कर देगा साहब, मेरा क्या काम है, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। डिड यू नो इंडिया 60% ऑफ द प्लास्टिक रिप्रोड्यूस्ड 845। ये रैक पे कुछ डेटाज है उस पर रिलेटेड जो भी हमें प्लास्टिक से था। नेक्स्ट अगेन इस पर भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि हमें होर्डिंग की आदत है बट हम लोग प्लास्टिक नहीं उसको अलग कर पा रहे। गेट पिक्ड फ्रॉम द डंप यार्ड एंड सेंड फॉर द रिसाइकलिंग, बैलेंस 40% इज रिसाइकल नॉट रिसाइकलेबल बिकॉज ऑफ डर्टी एंड फ्लोटी। ये सब जो 40% नहीं है, इसमें से बहुत बड़ा परसेंट आज की डेट में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लिए गए हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में जा रहे हैं। सो हमारे पास सॉल्यूशन एक ही है कि हम इसको सेग्रीगेट करें एंड रिसाइकलिंग के लिए दें। तो होप ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपके पास थोड़ा आपको लगा होगा कि यूज़फुल है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बॉटल फॉर चेंज का एक ऐप है प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, iOS यूज़र्स के लिए नहीं है वो, सिर्फ हम एक जो ये है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। आप वो डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड करेंगे आप एक उसमें आपका डेटा फीड करके जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसमें आप कर लीजिए। आप जैसे उसको डाउनलोड करके उसे अपना रजिस्टर करेंगे उसमें एक ऑप्शन आता है सबमिट प्लास्टिक। तो जब भी आपको लगे कि आपके यहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है आप सबमिट प्लास्टिक करके उसको सबमिट कर दीजिए एंड वो टिकट रेज हो जाता है एंड वो डिटेल सारी हमारे पास आ जाती है एंड हम लोग उस प्लास्टिक को 48 आवर्स में आपके डोर स्टेप से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई ये प्लास्टिक हम लोग तो दे रहे हैं, इसका हो क्या रहा है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसाइकल हो रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, उसके अलग अलग बेंचेस बन रहे हैं या इंटरलॉकिंग टाइल्स बन रही हैं, बहुत सी अलग अलग चीज़ें उसमें बन रही हैं एंड उसमें से जो भी कमर्शियल जनरेट होते हैं वो बिस्लेरी को नहीं आते हैं, वो सीधा सीधा NGOs को जाते हैं जो NGOs को कलेक्ट कर रहा है कलेक्शन पार्टनर। एंड उन कलेक्शन पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत सी रैग पिकर्स की कम्युनिटीज़ जुड़ी हैं, रैग पिकर्स की फैमिलीज़ उनके साथ है, वो उनकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, एजुकेशन से उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया जाता है एंड उनको एक रोज़गार दिया जाता है जिससे एक वो स्टेबल लाइफ जी पाएँ, एक रेगुलर उनकी इनकम उसे जनरेट की जा सके। एक छोटा सा हम लोग का वीडियो है, हम वो प्ले करेंगे। मैंने वो उससे ओपन किया दूसरी उसमें, बट वो लगा दो एक भाई, मैम वो कनेक्ट कर दीजिए स्पीकर। हो गया पावर आ गया नहीं आई वो भी निकल इसका कुछ इशू है, ये पॉइंट का ना लूज है क्या पॉइंट आ गया चलिए ये कनेक्ट कर लीजिए उसको। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, चले जाना 10 मिनट के बाद चले जाना, बैठ जाओ आप आराम से बैठ जाओ। Concept of bottle for change
आप उससे वॉल्यूम और फुल कर लो. Stop treating plastic as waste because plastic is 100% laptop से highest. Laptop से volume बढ़ा इसका highest मैंने कर रहा है. मैंने कहा ना ये घर के लिए. It's a revolutionary thought where we are aim to create awareness about not treating plastic as a waste. We want people to understand that instead of throwing in the waste bin, if after use you just clean the plastic, please clean the plastic, segregate it and send it directly for recycling. We emphasize on plastic recycling and creating a value chain of used clean plastic. Actually, used plastic is not a waste, it's a recyclable resource. So now we are adding more and more societies in Bottle for Change program every day. And Dattaramanan Society is one of the 600 societies that we have already enrolled in the program. So they contact the members of the society and arrange an awareness session with them. So later when the awareness session is there, we talk about the whole concept of Bottle for Change program. Why cleaning the plastic and sending it for recycling. So once the society is part of Bottle for Change program, we ask them to clean plastic, collect it separately. Housekeeping staff is accordingly trained. They take it from the household and give it to the recycler or the nearest plastic agent for recycling. Bottle for Change team is visiting stakeholders on daily basis to make them aware about our program. In the last 1 year under Bottle for Change program, we have reached out more than 15 lakhs to 650 schools and colleges and 300 colleges. So it's been 6 months since when Dattaramanan Society is part of Bottle for Change program, and all the members of the society are happily collecting plastic at their home, cleaning it and giving it to their housekeeping staff, which eventually gives it to the nearest plastic agent and it directly goes for recycling. I'm Anil Sathya, member of the society. We as a society are very happy to be part of the process. You have seen the video. You have seen the video you have seen. It is a very simple process essentially. We need to just clean the plastic and hand it over to our housekeeping staff. I'm glad to be a part of Bottle for Change program and I feel more responsible towards my surroundings. Earlier I did not know about plastic recycling, but Bottle for Change is here. Now I know that it is plastic recycling. तो ये एक छोटी सी वीडियो थी. सो एंड ऑफ मैंने एंड बोला था कि एंड में इस प्रेजेंटेशन के तो हम लोग एक चीज़ बात करेंगे बच्चों के साथ. तो यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चा पार्टी है तो अभी वो सब सुनेंगे आराम से. ओके हाँ जी छोटू ऊपर से ठीक है. तो अभी आप जो बच्चे लोग अभी एक साथ मुझे बोलेंगे, अभी आप लोग का क्या ड्यूटी है कि आप लोग आज से प्लास्टिक को कहीं पे भी, अगर आप चॉकलेट खाते हैं ठीक है, अगर आप कुरकुराज लेते हैं या कुछ भी लेते हैं प्लास्टिक, अगर आप कुछ कोक भी लेते हैं, तो आप घर पे सबको बोलेंगे कि मम्मा अभी हम इस प्लास्टिक को कभी भी अपने डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, उसको हम अलग रखेंगे. आप लोग करेंगे ये सब चीज़ें? अभी हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग बच्चों लोग को अच्छा सुनो. अच्छा एक छोटा सा टास्क मैं आप लोग को दूंगी ठीक है. सो अभी आप लोग क्या करोगे, एवरी वीक अभी सैटरडे संडे आप लोग का ऑफ होता है ठीक है,
तो सैटरडे में आप लोग सब जाएंगे, सारे अपने जितने भी बिल्डिंग में लोग हैं उनके डोर स्टेप पर जाएंगे, उनको बोलना कि आंटी अंकल हम लोग को एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें हम लोग जो प्लास्टिक है ना उसको अलग रखते हैं, आपके घर पे जितना भी क्लीन प्लास्टिक होगा आप जो भी रखते हैं प्लास्टिक को आप उसको क्लीन रखेंगे और हमें देंगे, ठीक है, हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे। और ये सारे बच्चे को प्लीज़ आप एक बिन अरेंज करवा दीजिए, बिग जो बिन होगा, ताकि वो उस प्लास्टिक को कलेक्ट करके एक जगह पे रख दे, ठीक है। सो इसमें से जो भी बच्चा बहुत अच्छा कलेक्ट करेगा हम डेफिनेटली उनको रिवॉर्ड देंगे, हम लोग उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं एंड आई डेफिनेटली कि हम कुछ प्राइस उसमें हम लोग मेंटेन कर सकें। उससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि एक तो बच्चों को मोरल बूस्ट होता है, सेकेंड चीज़ उनको एक हैबिट डेवलप होती है आज ही की इसी एज से, ठीक है। सो बिकॉज ये हम लोग का फ्यूचर आने वाला है तो हमें इन पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चा पार्टी सारे प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे ना घर पर से? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आप जो भी प्लास्टिक कलेक्ट करोगे ना हम लोग उसको पिक करके लेके जाएंगे, उसको ऐसे नहीं फेंकेंगे और आप लोग को सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है, कि जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, ठीक है सर, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगी इस चीज़ के लिए। हो गया? हाँ जी, आप सर मैं 5 मिनट आप सबके लिए लूंगा, अभी सभी बच्चा पार्टी ध्यान कर थोड़ा ध्यान देंगे, सभी बड़े छोटे सभी ध्यान देंगे। देखिए हमारे गुड़गांव में दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, बनवारी में देखिए कितना कुतुब मीनार के बराबर ऊंचाई का पहाड़ बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहाड़ किसने बनाया, कचरे का पहाड़ कूड़े का पहाड़ किसने बनाया, सभी लोग बोलते हैं सरकार ने बनाया जी, वो तो MCG इकट्ठा करती है कूड़ा, सरकार ने पहाड़ बना दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको कि वो कूड़ा सरकार ने नहीं, कूड़े का पहाड़ सरकार ने नहीं हमने बनाया, क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा। देखिए वो कूड़े का पहाड़ क्यों बना, इसके ऊपर रीजन के ऊपर जाइए आप। हमने घर का कूड़ा, जैसे मैडम ने कहा, भदू जी ने, प्लास्टिक वेस्ट जो निकला वो हमने डस्टबिन में डाल दिया, रसोई का कूड़ा निकला गीला कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया, हमने अपना कूड़ा अलग अलग नहीं किया। और MCG ने भी क्या किया, या जो यहाँ एजेंसी इको ग्रीन वगैरह जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हमारे घर से कूड़ा कलेक्ट किया अलग अलग, वो भी नहीं कर सकते। जब एक बार कूड़ा मिक्स हो जाए That can't be fixed, वो दोबारा अलग अलग नहीं हो सकता। आप अपने घर में कोशिश करके देखिए, आपके घर के किचन में जो डस्टबिन है आप उसे प्लास्टिक भी डाल दोगे, लोहा भी डाल दोगे, गत्ता भी डाल दोगे और गीला कचरा रसोई के सब्जी के छिलके फ्रूट के छिलके भी डाल दोगे, बाद में क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो क्या? सोचो उसमें हाथ डालने में कितना मुश्किल लगता है, हमारे को कितनी तकलीफ होती है। हम अपने घर का कूड़ा एक डस्टबिन का कूड़ा अलग अलग नहीं कर पाते, तो सोचो कि वो जो इको ग्रीन एजेंसी हमारे घर से कूड़ा लेके जाती है वो क्या कूड़ा अलग अलग करेगी? अगर वो कूड़ा अलग अलग करती तो कूड़े का पहाड़ ना बनता। वो पहाड़ इसलिए बना कि हमने कूड़ा अलग अलग नहीं किया, उन्होंने हमारा कूड़ा मिक्स वेस्ट इकट्ठा किया और वहाँ जाके डंप कर दिया। अब मानते सभी कि वो कूड़े का पहाड़ हमने बनाया, सरकार ने नहीं बनाया, उसमें हमारी गलती है। आवर वेस्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे घर का कूड़ा उसको डिस्पोज ऑफ करना हमारी जिम्मेवारी है। ये बात अब हमें समझनी पड़ेगी। जैसे मधु जी ने कहा कि हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। प्लास्टिक बुरा नहीं है, हमारी आदतें बुरी हैं, क्योंकि हम प्लास्टिक को भी गीले कचरे में डालते हैं, अलग अलग नहीं करते, वो जाके कूड़े का पहाड़ बनता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे पहाड़ आपने देखा होगा, आज की तारीख में 30 लाख टन कूड़ा, 30 लाख टन, एक टन में 1000 kg होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना कूड़ा वहाँ पे पड़ा है। वो सब हमारे घरों का ही है क्योंकि हमने कूड़ा अलग अलग नहीं किया। होता क्या बाद में, जैसे बारिश आ गई, बारिश का पानी उस कूड़े के ऊपर पड़ा, उसके अंदर प्लास्टिक भी पड़ा है और केमिकल्स, जो प्लास्टिक के अंदर जो हम जैसे कॉस्मेटिक्स की बॉटल है, तो एक आपने चीज़ यूज़ की, पाउडर की बॉटल है, थोड़ा बहुत पाउडर रह गया उसके अंदर, केमिकल लग गया, वो भी वहीं चला गया। जब बारिश आई वो सारा रिस्क है, सारा पानी जिसको हम रिस के नीचे ज़मीन में जाता है, जिसको हम लिशेड बोलते हैं, वो सारा रिस के नीचे आता है और धरती के पानी को भी गंदा करता है और उसके ऊपर जो सराउंडिंग में हवा है उस गंदगी से सारी हवा भी ख़राब हो रही है। हम लोग सभी क्या करते हैं, आजकल इतनी अर्निंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो सभी अपने लिए भी, अपने जनरेशन के लिए भी, हमारे बच्चे खुश रहे, उनका ब्रॉटअप अच्छा हो, आगे फ्यूचर उनका अच्छा रहो, अच्छे स्कूल में दाखिल करें, इसलिए पैसा कमाते हैं। लेकिन ये सोचिए, पैसा तो हमने कमा लिया लेकिन उनको अपने क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं दिया,
आजकल जैसे बिस्लेरी की बॉटल 25 रुपए की बिकती है, जब वो बच्चे बड़े होंगे क्या पता 100 रुपए की हो, 200 रुपए की हो, या जब तक पानी इतना ख़राब हो जाए पानी के लिए कहीं से इम्पोर्ट करना पड़े अपने को, तो आपका पैसा क्या करेगा वहाँ पे? हवा आज की तारीख में, आज की डेट में हवा भी हमें खरीदनी पड़ती है, देखिए ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ती है। गंदा किसने किया? ऑक्सीजन को, पानी को हमने किया ना, हमारी छोटी सी आदत ने किया, ये भी कह लीजिए छोटी सी हैबिट ने किया, वो हैबिट सेग्रीगेशन करने की, कूड़े को अलग अलग ना करने की हमारी आदत ने हवा भी खराब की, एनवायरनमेंट भी खराब किया, धरती का पानी भी खराब किया। तो ये आदत हमें आज से बदलनी पड़ेगी। ये आज की वर्कशॉप का पर्पस यही है कि हम सभी लोग मिलके वेस्ट सेग्रीगेशन स्टार्ट करें घर पे। जैसे इनकी वैन हर संडे को आती है बिस्लेरी कंपनी के, इन्होंने स्टार्ट किया है, जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है हमारे घरों से हम संडे के संडे अपने टॉवर गार्ड को देते हैं, इनकी वैन आके कलेक्ट करके ले जाती है। जैसे मधु जी ने बताया कि रिसाइकलिंग एजेंसी ITPA जो इन्होंने नाम दिया कि वो उसको ले जाके रिसाइकल करके प्रोडक्ट बना के देते हैं। कम से कम उससे क्या होता है, हमारे कूड़े के पहाड़ नहीं बनते, एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता। और यही हमारी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए और हमारी प्राइम इम्पॉर्टेंस इसी बात को देनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। आज की वर्कशॉप का पर्पस यही था, सिर्फ आपने छोटा सा काम करना घर पे, अपना कूड़ा अलग अलग करना, खुद को भी करना ही करना है, अपने बच्चों को भी ट्रेंड करिए, आज से ट्रेंड करिए भैया आपने ऐसे ऐसे अलग करना है। टू बिन वन बैग जैसे आप सभी जानते हैं, ये हरे रंग का डिब्बा जैसे हम ग्रीन वेस्ट के लिए रखते हैं, लाल रंग का डिब्बा रखते हैं हम जो अपना हैजार्डस वेस्ट या जो रिसाइकल नहीं हो सकता उसके लिए रखते हैं, और एक पॉली कोई बैग रख लीजिए, थैला रख लीजिए आप जिसमें प्लास्टिक वेस्ट वगैरह निकलता है वो उसमें, जैसे दूध की थैलियाँ, मैं कल ये हब में था, ये लस्सी का पैकेट लिया मैंने, वहाँ फेंका नहीं, डस्टबिन में नहीं फेंका, वो गलती से मेरी पॉकेट में रह गया, कल मैं भी घर जाके काट के उसको साफ करके डाल दूंगा, इनको हैंड ओवर कर दूंगा। तो ये अपने थोड़ी हैबिट्स अपनी चेंज करनी है हमारे को। फॉर एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं लेके आया मैं, हाथ पीछे पॉकेट में हाथ डाल दूँ निकल आया, ये मैं चलो दिखाई दूँ आपको। तो ये छोटी छोटी आते हैं बहुत बड़ा काम करेंगे, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसी छोटी छोटी हमारी आदत से ये बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो जाएंगे। बस इतनी ही आज की मीटिंग की हमारी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आप सबको हमने कॉल किया था आज कि थोड़ी देर के लिए आइए, इस कंसेप्ट को समझिए और अपने अपने जैसे मैडम ने अभी कहा ना, बच्चों को भी बड़ों को भी अपने अपने टावर में, अपने अपनी सोसाइटी में, अपने अपने टावर्स में जाके एक एक को मोटिवेट करें, अवेयर करें, मोटिवेट करें, ताकि हमारी सोसाइटी ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी बने, यहाँ का कचरा जो है बाहर ना जाए। और मैं साथ में एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि प्लास्टिक वेस्ट तो हमने इनको दे दिया, लेकिन घर का कचरा जो रसोई का गीला कचरा है उसको क्या करेंगे हम, उसके बारे में भी थोड़ा विचार करें, उसकी कंपोस्टिंग हो सकती है, ऑर्गेनिक खाद जो हम पेड़ पौधों में गमलों में डाल सकते हैं उसकी खाद बनाइए, आप घर पर आप खाद बना सकते हैं। इसको इसके बारे में समझना हो तो वैसे मैं डालता रहता हूँ ऐड उसमें, अपने ग्रुप में ऐड डालता रहता हूँ उसके बारे में कि कंपोस्टिंग बहुत इजी प्रोसेस है, होम कंपोस्टिंग मैं भी बनाता हूँ उसके घर में, मेरे होम कंपोस्टिंग बनती है, मतलब घर पे सिर्फ हमने कंपोस्टर रखा हुआ है, कंपोस्टर मैं भी सेल भी करना होगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने मार्केटिंग के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर घर घर में हम कंपोस्टिंग करेंगे तो हमारा घर का गीला कचरा भी बाहर नहीं जाएगा, तो कोई भी पहाड़ नहीं बन पाएगा। इवन सर मैं उस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी, मुंबई में एक्चुअली हम लोग एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे उन सेक्रेटरी थे मतलब कि, तो हम लोग उनसे पर्सनल मीटिंग करके आए कि भाई उनकी सोसाइटी में टोटली कोई भी वेस्ट बाहर नहीं जाता, तो कोई भी कूड़ा उनका बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो उन्होंने क्या करवाया था, वो कंपोस्टिंग से उन्होंने टेरेस फार्मिंग की हुआ है, एंड वो टेरेस फार्मिंग में उनके टमाटोज हो रहे हैं, उनका भिंडी सब कुछ जो भी वो कर सकते हैं वो सब उसी मतलब कंपोस्ट से कर रहे हैं। सो हम लोग इतना, ये सोसाइटी इतना बड़ा है, इसमें इतना स्पेस है, अगर हम लोग मतलब कि मेम्बर्स अगर इस चीज़ पर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके यहाँ पर सोसाइटी में एक चीज़ कंपोस्टिंग के लिए बनाया जाए। वैसे भी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं आज की डेट में
मतलब कि कंपोस्टिंग के लिए कोई ना कोई जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, मशीनरीज लगती हैं, वो कर रहे हैं ताकि उनकी सोसाइटी ग्रीन सोसाइटीज में आए। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ राजनगर में, वहाँ पे ऑलरेडी एक मशीनरी हमारी सोसाइटी ने प्लेस करी है जहाँ पे जितना भी गीला कूड़ा है वो उसके अंदर जाके उसमें कंपोस्टिंग बनाई जाती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो भी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है उसको एक स्टार्स मिलते हैं कि लाइक ये सोसाइटी ग्रीन सोसाइटी है। ठीक है, अभी घर में आता है कि अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसका, घी के पैकेट्स हैं, ठीक है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, घी आपका निकल गया। सर्दियों के दिन, गर्मियों के दिनों में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें पूरा हो जाता है क्योंकि वो मेल्टेड होता है। ठीक है, तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा, उसको आप निकाल दीजिए, या उसको अगर आप गर्म पानी से एक बार वॉश आउट कर सकते हैं। यूजली क्या करते हैं, मैं अपने घर का बता रही हूँ कि मेरी मम्मी क्या करती है, जब घी निकाल देती है ना तो उसको उसके अंदर दाल डाल देती है, गर्म दाल, एंड देन उसको रिटोट करके फिर दोबारा से उसमें मिक्स कर देती है बाकी दाल में। ये मेरे घर का नुस्खा है, तो आप भी इसे कर सकते हैं। जैसे तो मोमेंट आपने दाल उसमें सारे यूटिलाइज कर लिया, घी उसका आपका बच भी जाएगा, एंड उसमें एक गर्म पानी से उसको क्लीन कर दीजिए हल्का सा, एंड देन उसको रख दीजिए साइड में, वो भी आपका रिसाइकिल हो सकता है। अगेन, मिल्क पैकेट्स के सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, एवरीडे आते हैं घर में। आप मिल्क पैकेट को निकाल के, मिल्क उसमें निकाल के उसको उसमें से हल्का सा वॉश आउट करके उल्टा कर दीजिए अपने सिंक के पास ही, हाफ एन आवर में वो पूरा क्लीन हो जाता है। हाफ एन आवर में क्लीन होने के बाद उसको अलग से स्टोर कर लीजिए एक छोटे से बैग में, जिसमें आप पूरे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मिल्क पैकेट्स ही स्टोर कर रहे हैं। सेम आपका जैसे तेल के पैकेट होते हैं, वही जैसे आपने घी के पैकेट का करा, वैसे आप तेल के पैकेट का भी कर सकते हैं। बॉटल्स, अगर आपके तेल की बॉटल्स आती हैं तो वो एज इट इज़ रहती हैं। आप हार्पिक की बॉटल्स आती हैं, ईजी की बॉटल्स होती हैं, उनको भी एज इट इज़ रखते हैं, उसमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, एक और मेन इशू आता है जब कंटेनर्स आते हैं, फूड कंटेनर, जहाँ पे हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। आज तो बहुत से ज़्यादा जैसे जोमेटो एंड बहुत से रेस्टोरेंट्स में बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स हैं, जहाँ पे प्लास्टिक के आते हैं, तो उसके साथ फूड के साथ आपके पास आपने देखा होगा कि टिश्यूज़ भी आते हैं। द मोमेंट आपने वो उससे फूड निकाल दिया, वो टिश्यू से एक बार आप साफ़ कर दीजिए, वो वैसे ही क्लीन हो जाता है एज इट इज़, आपको उसको धोने की वॉश आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ ये हैबिट क्रिएट कीजिए। बच्चों को बोलिए कि वो वीक में एक बार ही आपके पूरे बिल्डिंग में, ठीक है, एक बार चक्कर लगाएंगे आराम से। उनको एक प्रोजेक्ट के नाम पर आप दीजिए कि बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनका हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बच्चे सारे लोगों को जाके बताएंगे। आपके साथ के जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, आप उनमें बोलिए कि प्लीज़ हम लोग इस हैबिट को मानते हैं, आप भी स्विच कीजिए। तो द मोमेंट कहते हैं ना कि एक करने से क्या होता है, बट एक एक के करने से बहुत कुछ होता है। तो वही सब असर आपको करना है। बाकी मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करूँगी, आपके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी जी जी, हम तो इसमें क्या है, बॉटल फॉर चेंज ऐप, जैसे मैंने आपको बोला ना, सर ने ऑलरेडी, सर आपने डाउनलोड किया हुआ है ना, तो सर ने रजिस्टर कर दिया है। तो जैसे आपकी सोसाइटी से प्लास्टिक निकलेगा, हम लोग उसको वेट करेंगे कि भाई इतना प्लास्टिक आपकी सोसाइटी से हमने लिया, उसमें हार्ड एंड सॉफ्ट को सेग्रीगेट करके हम उस मतलब कि सोसाइटी के नाम पे फीड कर देंगे कि इस सोसाइटी से हमने इस तारीख को ये इतना प्लास्टिक लिया, एंड उनका इतना प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन था। तो आप अपने, एक सेकंड बेटा, आप अपने ऐप में जाके भी उस डेटा को देख सकते हैं कि भाई कितना प्लास्टिक आपकी सोसाइटी एवरी मंथ दे रही है। सर देखिए, फ्रिक्वेंसी हम लोग यूजली वेट पे ही काउंट करते हैं कि भाई, सर बच्चे जाना चाहते हैं, जाने दीजिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग यूजली वेट पे करते हैं, पर क्योंकि अभी आपकी सोसाइटी ने इनिशियली ज्वाइन किया है तो हम लोग ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। बट यस, मैं आपको बताना चाहूँगी, संडे एंड वेडनेसडे हम लोग का एक राउंड होता है गुड़गांव में, तो अगर आप चाहें संडे एंड वेडनेसडे आप उसको फिक्स कर सकते हैं। उसमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि टू डेज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वीक में, तो आप संडे एंड वेडनेसडे दे सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं वन डे की ही फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो हम लोग संडे या वेडनेसडे में भी आप दे सकते हैं। विजय जी का नंबर सबके पास है ऑलरेडी। हाँ जी,
करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सर देखिए, अगर आपके सोसाइटी में बड़े बड़े बिन्स अगर आप मतलब के अरेंज करते हैं, ठीक है, जैसे घर से तो लोग सभी प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप ये कहते हैं कि भाई रोज लोग नहीं इकट्ठे कर सकते प्लास्टिक को ना, कईयों को नहीं होता है वो, मतलब कि उनको देखने को लगता है कि भाई इतना प्लास्टिक है मैं ही नहीं अपने घर पे रख सकता। तो मैं सोसाइटी मेंबर से ये कहना चाहूँगी कि आप बड़े बिन रख लीजिए, उस बिन में ब्रांडिंग हम लोग करवा देंगे अपना पर्सनली, एंड उन पे लोगों को दिखेगा भी कि भाई प्लास्टिक ही डालना है इसमें, तो लोग ला के अपने अपने बिल्डिंग से उसमें वो डंप कर देंगे प्लास्टिक को एक जगह पे, एंड जो भी वीकली टाइम है उस हिसाब से हम लोग पिक करवा लेंगे। सर वो तो पिन का ऐसे मुझे कॉस्ट नहीं पता, बस ब्रांडिंग में करवा दूंगी ये मुझे पता है, बट ये अगर आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम करती है तो ईयर एंड में अगर आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया प्लास्टिक में, तो हम लोग पर्सनली आपको पिन प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि एक भी पिन प्रोवाइड करो, जैसे वो वीडियो में भी था ना, उसी टाइप का पिन वीडियो में देखा था, बिन आपका बड़ा सारा बिन बेटा नीचे वायरल ध्यान से हो चुका है। लोगों को क्या उसमें डालना इजी रहता है, वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप इवन दो मतलब कि वीक में टू टाइम्स भी अगर आप चाहते हैं तो हम पूरा अरेंज करवा देंगे, बट प्रोवाइडेड कि आपके सोसाइटी से कितना प्लास्टिक निकल रहा है। सर कितना नंबर था? आई थिंक 40-50 के जी सर, मतलब कि उसके लिए राउंड लगाने के लिए इतना बड़ा नंबर नहीं है। सर हम लोग सिर्फ प्लास्टिक पे करते हैं, बट ये हमारे जो कलेक्शन पार्टनर है मैं उनको पर्सनली बोल दूंगी, तो अगर वो कुछ अरेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो लेके जाते हैं, कार्डबोर्ड लेके जाते हैं। सर एक ग्रुप फोटो खिंचवा लें? हाँ क्यों, बंद कर दें? क्लोज कर दें? क्लोज कर देंगे? हाँ।